नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और देश के जवान अभिनंदन को लेकर के तमाम राजनेता ट्वीट कर रहे हैं और इसी घड़ी आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने क्या कुछ लिखा है देश के जवान अभिनंदन को लेकर के। उन्होंने लिखा है, पूरा देश विंग कमांडर अभिनंदन के साथ है, जहां भी वे भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाए। वह देश के असली हीरो हैं, अपनी जान की बाजी लगा पाकिस्तान को सबक सिखाने वह गए थे, उन्हें देश सलाम कर रहा है। तो ये पहला ट्वीट आपको बता रहे हैं कि ये पहला ट्वीट किया गया है रंजीत रंजन की तरफ से जो कांग्रेस की सांसद है। और आपको दूसरा ट्वीट दिखाते हैं जो कि 5 मिनट पहले अभी किया गया है, देश को जिनके स्टेट्समैन मान रहा था वो जो बूथ मैनेजर चुनाव कैंपेनर निकले, जब पूरा देश मेरा जवान सबसे मजबूत का नारा लगा रहे थे तो वो बीजेपी का बूथ मजबूत कर रहे हैं। जब देश में अपने बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन माई हीरो की वापसी चाह रहा तो वह सत्ता में वापसी चाह रहे हैं, हद है सत्ता लालुपता की। तो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने बीजेपी को एक बार फिर से कटघरे में खड़े करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल कर दिया कि और कह दिया उन्हें ये कि सत्ता की लालच में बीजेपी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम कर रही है। बहरहाल आप देखते रहिए हेडलाइंस बिहार, कैमरा पर्सन राज तिलक के साथ मैं तनवीर आलम।